क्या था उसके बारे में बताएं। और जिस तरह से आपको एक बार फिर जो है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी उतारा गया है, क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं पार्टी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि इस जसरोटा जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जसरोटा बनी है इसमें मेरे में विश्वास जताया है और पार्टी ने अपना मैंडेट दिया है। पार्टी के साथ साथ उस ईश्वर का, उस प्रभु का जिसने और मेरे गुरु महाराज जी का जिसने बहुत आशीर्वाद हमेशा रहता है मेरे साथ, उस ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। और पार्टी कार्यकर्ता जो पिछले 10 वर्षों से लगातार 14 में यहाँ मेरा आना हुआ और 14 से लेकर आज 24 में हम खड़े हैं, 12-13 में मैं यहाँ पे आया और लगातार अपना समर्थन, अपना सहयोग, अपनी सपोर्ट और अपना विश्वास जो हमारे प्रति मेरे कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, मेरी पार्टी ने दिखाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या देखते हैं आज जिस तरह जितने भी आपका टाइम कार्यकाल रहा तब भी आपको बहुत सहयोग लोगों की तरफ से मिला, आज अभी हम देख रहे हैं कि बड़ा प्यार लोग आपसे करते हैं, लोग सुबह से यहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो ये एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, लोगों में एक विश्वास, लोगों में एक आस पैदा करनी पड़ती है। जब लोगों की जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको जब क्योंकि पीपल आर बेस्ट जज, तो वो जज करते हैं कि क्या हमारा नुमाइंदा, क्या हमारा साथी, क्या हमारा चौकीदार, क्या जिसके लिए हमने इसको चुना है, क्या उस कार्य वो कर रहे हैं। तो जब आप उनके मुताबिक चलते हो तो लोग समर्थन भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। ये आपने देखा, मैंने 27 को रात को 10 बजे आया, तब भी सब लोग आए समर्थन के लिए आए, 1.5-2 घंटे के नोटिस में जिसने मेरे को मुबारकबाद पेश की उसको मैंने आने को कहा, वो आया। आज भी कल ही हमने इनको कहा, ये हमारी प्रथम बैठक थी संगठन की दृष्टि से और कार्यकर्ता जो प्रमुख कार्यकर्ता उनकी दृष्टि से, तो जिस जिसको कहा, जो जो अपेक्षित थे वो लोग आए उन्होंने। और जो अगली रणनीति है, जो महीनावार हम जो कार्य करने वाले हैं, उस कार्य की चर्चा हुई और कुछ उनकी भी बातें सुनने का प्रयास किया और आपके सामने सब कार्यकर्ता ने अपनी अपनी बात रखी है। सर, विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि लगातार जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर कठुआ की आवाम वहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन जसरोटा के लोग जो है जसरोटे साहब के साथ नहीं है। 27 तारीख को भी जो कार्यक्रम हुआ था वहाँ पर भी कठुआ की आवाम थी, लेकिन जसरोटा के लोग वहाँ पर। देखिए ये फैसला अब जिस दिन वोट पड़ेंगे तो लोग करेंगे इसका। जो आज भी देखा आपने, मैंने हाथ खड़े करा के इसीलिए आपकी इस जो प्रश्न चिन्ह लगाया इसी का मैंने जवाब दिया था। और सर पार्टी का ऑफिस आप कहाँ पे खोल रहे हैं? देखिए हमने 2-3 ऑप्शंस रखे हैं, एक तो पार्टी का ऑफिशियल तो खुल ही गया है, छन्नी में था तो बड़े सारे कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि उसको कहीं एक 3-4 ऑफिस जहाँ, क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है और उसको 2-3-4 डिवीजन्स उसकी करने पड़ेंगे उसी के मुताबिक। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने अभी तक कोई उम्मीदवार आप घोषित नहीं किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिला कठुआ की 6 सीटों की बात करूं 5 सीटों में उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। नहीं, वो कांग्रेस ने तय करना है किसको उतारना है नहीं उतारना है, लेट द कांग्रेस डिसाइड। मगर मेरे भाई ने प्रश्न किया जसरोटा और कठुआ का, तो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलरेडी 60% लोग पुरानी कठुआ है, जो 60% लोग हैं वो पुरानी कठुआ के लोग हैं, बाकी मेरा घर है हीरानगर और डिंगिया मेरा घर है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर आपका क्या कहना है? जैसे उन्होंने देखो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो के आने के बाद जो कांग्रेस का गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बहुत ही चिंताजनक इस देश में स्थिति उत्पन्न हुई है। इस जो देश की जो स्थिति है इस कांग्रेस को बताना होगा, कांग्रेस इज प्लेइंग अ वेरी और प्लेइंग ऑन अ वेरी डेंजरस प्लेटफॉर्म। कांग्रेस ने हमेशा, और हिंदुस्तान का बंटवारे का कोई जिम्मेवार है वो कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है, शायद कांग्रेस ना होती तो वे बंटवारा भी ना होता। आज वही स्थिति, वही परिस्थितियाँ कांग्रेस इस जम्मू कश्मीर में पैदा करना चाहती है। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो सामने आया है, मेरे से अच्छा मंथन और चिंतन आपने किया होगा। आप ही खुद बताएं कि क्या कांग्रेस
इस बात का समर्थन नहीं कर रही कि कांग्रेस चाहती है कि इस कांग्रेस बताए लोगों को जवाब दे कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश में दो झंडे होने चाहिए, क्या तिरंगे के अलावा कोई और झंडा होना चाहिए, क्या कांग्रेस चाहती है इस देश में कोई और अलग दो संविधान होने चाहिए, क्या कांग्रेस चाहती है कि इस देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस और कांग्रेस को इस बात के लिए अपना स्पष्टीकरण, अपना रुख लोगों के सामने रखना चाहिए, देश को सामने रखना चाहिए कांग्रेस आखिर चाहती क्या है। देखो एजेंडा और संदेश बड़ा साफ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलेंगे, विश्वास में लेकर चलेंगे और सबका विकास करेंगे। सर डेली मेरा एक सवाल है सर, जिस तरीके से आपने 2014 में असेंबली चुनाव जीता था रिकॉर्ड मतों से, आप इस बार भी आप रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं, ये जो पहली बार जो ये जो सीट बनी है जसरोटा सीट है, और क्या आप उसके प्रथम विधायक ही आप ही होंगे? देखिए ऑन द रिकॉर्ड कैमरा आप क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा है कि कठुआ, जब मेरे को कठुआ की जिम्मेवारी दी गई, कठुआ में पार्टी ने मेरे प्रति विश्वास दिलाया और मेरे को मैंडेट दिया, कठुआ क्या मिलता था क्या था आपके सामने। कठुआ का भारतीय जनता पार्टी का, मैं जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी का कठुआ का पहला विधायक वर्ष 2014 में बना। आज नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, आप रिकॉर्ड, यू कैन चेक द रिकॉर्ड, यू कैन चेक द रिकॉर्ड्स, 14 में पहली बार विधायक भारतीय जनता पार्टी का कठुआ से बना पहला विधायक राजीव जसरोटिया, लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। आज जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे को जिम्मेवारी दी है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे को मैंडेट दी है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, अब लोग तय करेंगे, लोग फैसला करेंगे कि अपना प्रथम विधायक आप किसे बनाना चाहते हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, हमारा प्रयास रहा, हमारी कोशिश रही कि जसरोटा की एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी है, उस पहचान और आइडेंटिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने, और डिलिमिटेशन कमीशन का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। अब लोग फैसला करेंगे कि आप, जसरोटा के लोग फैसला करेंगे कि अपना प्रथम विधायक किसको बनाना चाहते हैं। जो भी लोगों का निर्णय होगा उसको वो हमें स्वीकार। तो लोग ये कहते हैं कि पिछले 70 सालों में जसरोटा का विकास नहीं हुआ, अगर आप वहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो क्या लोगों के लिए वहाँ से खास नहीं? निश्चित तौर पर देखो, लोगों की एस्पिरेशन, एक्सपेक्टेशन रहती है। डेमोक्रेसी में एक यही एक तरीका है, पंच हो, सरपंच हो, BDC हो, DDC हो, या MLA हो, जो मेंबर पार्लियामेंट हो, ये एक माध्यम है गवर्नमेंट सरकार चलाने का, एक माध्यम है, लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, नुमाइंदा कॉम्पिटेंट नुमाइंदा चुने, नुमाइंदा जो लोग फैसला करते हैं कि क्या मेरा नुमाइंदा जो मेरी दुख तकलीफ है उस दुख तकलीफ का कितना ध्यान रख सकता है, ये निर्णय लोगों को करना है। मगर लोग बहुत सियाने हैं, लोग सब कुछ जानते हैं। मैं अपनी प्रशंसा करूं या अपनी बात कहूं, आई एम इन पब्लिक फील्ड और लोगों के बीच में हूं, लोग मेरे व्यवहार को भी जानते हैं, लोग मुझे भी जानते हैं, लोग मेरे टेनवर को भी जानते हैं, लोग ये भी जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की यही खूबी है। लोग तो आपने कंडी में एक प्रोजेक्ट रखाया था शाहपुर कंडी, जिसमें किसानों को फायदा होना था, अभी तक उसकी क्या स्थिति? देखिए मैं, आपने सेठी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब मैं विधायक बना, मंत्री नहीं, जब मैं विधायक बना, 4 महीने सरकार नहीं बनी, मेरी फर्स्ट इंटरवेंशन गवर्नर साहब के साथ हुई, तब NN बोरा साहब गवर्नर थे। मैं और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के 14 साथी, 25 सरपंचिस मेरे साथ बोरा साहब के पास गए और आधा पौना घंटे का हमने समस्या ये रखी कि शापरकंडी जम्मू का प्रोजेक्ट है, जम्मू सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, उज मल्टीपर्पस जम्मू सेंट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसको आज हम कंडी कहते हैं, एक कंडी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले ये दोनों प्रोजेक्ट हैं। और इसका व्याख्यान किया, मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी मैंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग में रखा, पंजाब के तब प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर थे उनके साथ भी हमने ये बात साझा की, क्योंकि दोनों स्टेट्स का एक डिस्प्यूट था, उसको हल करने के लिए आपके नुमाइंदे ने, जिस पे मोर लोग, कठुआ के लोग ने लगाई थी,
हमने इसकी इनिशिएटिव लिया, आज वो अमलीजामा पहनाया गया, आज लास्ट स्टेज पे ये वाला प्रोजेक्ट है। जिस दिन शापर कंडी और उज मल्टीपर्पस अमलीजामा में होगा, जिस दिन वो लागू होगा, ये कंडी कंडी नहीं रहेगी और एक गेम चेंजर रहेगी और कंडी की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये लोग।